हो रहा है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पे राजी हैं और वो कह रही हैं अपने अपने लोकल लीडर्स को कि कोई भी किसी को भड़काए ना, उत्तेजक बयान ना दे। मगर मैं आपको बताऊं कि आज भी आप कॉलोनीज़ के इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप्स खोलिए तो उस पर बाकायदा जहर जो है उगला जा रहा है, बाकायदा उस पर फैब्रिकेटेड पिक्चर्स और मनगढ़ंत कहानियां बना के लोगों को उकसाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये जो मैसेज है नीचे तक जो है लेवल तक जाना चाहिए। और कपिल मिश्रा जिनके बारे में गौतम गंभीर जी ने कहा है, ये भी एक स्वागत योग्य बात है कि उन्होंने कम से कम ये बात कही। और हालांकि मुझे उम्मीद कम है कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी, मगर फिर भी उन्होंने कहा, ये भी एक अच्छी बात है कि कम से कम उन्होंने अपने एक लीडर का नाम लिया। कि दिल्ली हिंदुस्तान का कैपिटल है, यहाँ राष्ट्रपति से लेकर प्राइम मिनिस्टर से लेकर सभी मंत्रिमंडल रहता है, तो यहाँ इस तरह की सिचुएशन होना बहुत लंबे अरसे के बाद ये बड़ी परेशानी की बात है। और मुझे अफसोस है कि सरकार की तरफ से इसमें कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और जिस तरह से ये कंट्रोल होना चाहिए था कुछ घंटों में ही, तो अभी तो दो दिन दो रातें हुई तो कंट्रोल में आ नहीं रहा बल्कि बढ़ता जा रहा। या तो इनके पास पुलिस की कमी है तो इनको दूसरी फोर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर पुलिस है तो फिर वो पुलिस चुप्पी साधी हुई है, वो इस्तेमाल नहीं कर रही है।